Second episode of Story Cycle, and today we are having two of the most amazing personalities of Bilaspur, and those are Dr. Vivek Ambalkar and Dr. Manish Tiwari. So let's have an interaction with them, but this interaction will be in Hindi because Hindi mein kuch 10 baat hai. Sir, Dr. Vivek Ambalkar sir, aap apne viewers ko apne bare mein batana chahenge. Main Dr. Vivek Ambalkar, TP Pro Mahavidyalaya mein Bhautik Shastri Vibhag ka Vibhagadhyaksh hu, aur साथ ही साथ पर्यावरण और नेचर बॉडी का सदस्य हूँ और मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है और मैं चाहता हूँ इस पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन सदा बना रहे और इसके लिए जो भी हमें प्रयत्न करने पड़े हम सदा करते रहें. थैंक यू सर. सर मनीष तिवारी सर, आप अपने व्यूअर्स कुछ बताना चाहेंगे. मैं डॉक्टर मनीष तिवारी, HOD बायोकेमिस्ट्री. मेरा PhD जो है वो जल वाटर एनालिसिस पे ही है. जिस वाटर के लिए तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं उस पर मैं रिसर्च किया हुआ हूँ, और प्रकृति से अत्यधिक प्रेम होने के कारण, अत्यधिक लगाव होने के कारण, जंगल के प्रति निष्ठा होने के कारण मैं भारत को 44% से 100% जंगल के रूप में देखना चाहता हूँ. बहुत खूब सर. सर आज के स्टोरी साइकिल में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उन सवालों का आपको उत्तर देंगे. सो सबसे पहला सवाल विवेक सर आपसे है, आप नेचर से बहुत लगाव में रहते हैं, हमेशा हमने देखा है जब भी हमने आपके साथ काम किया, तो आप हमें बताइए कि आप जब बचपन में थे तब एनवायरनमेंट कैसा था, तब नेचर कैसा था, आप जब एडल्टहुड में पहुंचे तब एनवायरनमेंट की स्थिति क्या थी, और आज के समय में एनवायरनमेंट कैसा है और क्या चेंजेस आपको देखने मिले? बचपन में मैंने देखा कि एक हरा भरा वातावरण, नदियों की कलकल और उन हरे भरे पेड़ों पे चिड़ियों की चहचहाट निरंतर मुझे सुनाई देती थी. लेकिन जैसे जैसे मैं युवापन में पहुंचते गया, वैसे वैसे और जैसे जैसे शहरों का विकास होने लगा और राज्य का विकास होने लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ये जो पेड़ों की हरियाली है, नदियों की कलकलाहट है, ये सब कम होते गई. और वर्तमान में मैं देखता हूँ तो बहुत ही मुझे दुख होता है कि वो दिन ना जाने कहाँ चले गए जिनमें कि वो हमें, जब हम साइकिल से जाते थे तो पेड़ों की छाव छाव में ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता था और हमारा रास्ता बड़े आसानी से निकल जाता था. शहर के बीचों बीच नदी बहती थी और नदी की कलकलाहट सुनते सुनते ही आदमी इतना खुश हो जाता था कि हमें बड़ा गर्व होता था कि हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं. सर ये सेम सवाल सर आपसे, आप क्या फील करते हो आज के वर्तमान एनवायरनमेंट के बारे में? बचपन में मैं तो शहर से लगा हुआ, मेरा छोटा सा गांव है जिस पे लगभग 80% घने जंगल और वृक्ष थे बड़े बड़े. धीरे धीरे नगरीकरण का जो राक्षस है वो प्रवेश किया और प्रवेश करके उस हरितमा को, उस चिड़िया की चहचहाट को, उस सुंदर तितली के उड़ने को, सबको नष्ट कर दिया. इस मोबाइल की तरंग ने, इस नगरी बढ़ते हुए नगरी प्रकृति ने पूरे सुंदरता को नष्ट करके रख दिया है. हम सड़क बनाने के चक्कर में ओरिजिनल पानी बरसात का जमीन में जाना बंद हो गया, जिससे वाटर लेवल नीचे चलने लगा. जो हम बैठे बैठे जो 40 फीट में पानी आ जाता था, आज वो 400 फीट में पहुंच गया है. हमें शुद्ध पेयजल मिलना मुश्किल हो गया है. वर्तमान समय में स्थिति यह है कि हम मॉडर्न के नाम पे हम कहीं के नहीं रह गए और आधुनिकता के लबादा ओढ़ के हम पारंपरिक को भूलते हुए और हम दुनिया के रोगों को अपने पे बुलावा देने लगे. तो विवेक सर, आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो आपने पॉली बैग, जो प्लास्टिक बैग जो आजकल हर व्यक्ति यूज करता है और उसे प्रदूषित कर रहा है एनवायरनमेंट को, आपने उसका ग्रोथ कैसे देखा है? कैसे आप बचपन में थैले लेकर जाते थे और फिर धीरे से प्लास्टिक बैग्स आ गए और ये प्लास्टिक बैग्स, पॉली बैग्स हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन चुके हैं, तो क्या ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? ऐसा है कि प्लास्टिक का जो निरंतर विकास हुआ है वो एक राक्षस की तरह है और जिसने पूरे पर्यावरण को नष्ट कर दिया है. और इस प्लास्टिक के प्रदूषण के कारण हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं निरंतर बढ़ती गई हैं. और इन मैंने देखा है कि ये जो प्लास्टिक का जो ग्रोथ हुआ है, इस प्लास्टिक के ग्रोथ से
हमारी एक संस्कृति समझ लीजिए कि नष्ट हो गई, और जो हम एक वातावरण में प्रदूषण मुक्त जो एक कपड़े की थैली ले जाते थे, कागज के ठोंगे यूज करते थे, उन सारी चीजों को भूल के हम ये जो वातावरण को खराब करने वाली चीजें प्लास्टिक, इनको हम बहुतायत में यूज करने लगे हैं, जिसके दुष्परिणाम अब हमको देखने मिल रहे हैं। आपने बहुत तरकूब बात कही सर। तो सर आपके लिए सवाल ये है कि आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं सर, तो ये जो पॉली बैग्स आप जाते हैं अभी केमिस्ट्री की दे दें हमारी, तो आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है केमिकल्स या केमिस्ट्री के जरिए कि आप एक प्लास्टिक की समस्या को हमेशा के लिए हटा सकते हैं? बिल्कुल, ये केमिस्ट्री की देन है, पॉलीमर जो होता है उसी से प्लास्टिक बना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके लाभ और हानि दोनों हैं। मैं जानता हूँ कि इसके शुरू में लाभ बहुत थे लेकिन अब हानि ज़्यादा हो गई। जैसे इसने जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया, नाली को ब्लॉकेज कर दिया, जिससे बम्बई जो है वो जल प्लावन की स्थिति में आ गया। आज जो हमारा इस छोटा सा शहर बिलासपुर है वो जितने भी नाली जाम होने के बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक है। इसके नष्ट करने के लिए एक पहला तरीका यह है कि हम इसको हतोत्साहित करें, पब्लिक को ज्ञान दें कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे खुद के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। आपने नया रिसर्च पढ़ा होगा कि गर्म चीज़ रखने से, जो ऊपर हम प्लास्टिक के टंकी यूज कर रहे हैं, उस प्लास्टिक के टंकी में पानी गर्म होने पे कैंसर के कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए जाने लगे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक के चाय पीते हैं उसमें भी कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं जो हमको हार्मफुल कर रहे हैं। इन सबके बावजूद इसको नष्ट करने के तत्काल उपाय तो है नहीं, क्योंकि तत्काल नष्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलीमर जो है वो चैन रिएक्शन है और उस चैन रिएक्शन को तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि तत्काल नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फील्ड में काम बहुत हो रहे हैं, इस फील्ड में वो हो रहे हैं, और आने वाले समय शायद हम प्लास्टिक के जगह कोई नया चीज़ सब्स्टिट्यूट ले आ सकते हैं। अगर सर ऐसा हुआ सच में तो बहुत खूब होगा। कोई प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जानवरों को जो नुकसान पहुंच रहा है, और उनके जैसे गाय है जिसको कि हम अपनी संस्कृति में गौ माता कहते हैं, उसके पेट में जब ये प्लास्टिक जाता है तो उससे जो जानवरों को नुकसान हो रहा है और दूसरे जानवरों को भी बहुत नुकसान हो रहा है, इससे बचाना हमारा एक कर्तव्य है। तो सर आप फिजिक्स के महारथी हैं, दिग्गज है आप फिजिक्स के, तो आप हमें कैसे बता सकते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स सब्जेक्ट जो कि हम सबको पसंद आता है, फिजिक्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है कि जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? फिजिक्स का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और हम एज ए भौतिक शास्त्री मैं विचार करता हूँ कि इसके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा प्लास्टिक का कम से कम यूज हम कम से कैसे करें, और साथ ही साथ प्लास्टिक के होने वाले जो नुकसान हैं, प्लास्टिक से होने वाली जो हानिकारक घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए हम अधिक से अधिक ऐसी चीज़ों का निर्माण करें जो कि हमको प्लास्टिक से दूर करती है। तो सर साइंस एक इमेजिनेशन का एक स्रोत है, तो सर आपको एक मैं कंडीशन देता हूँ, आपको इमेजिन करना है कि आज की जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है, तो वही कंडीशन को लेकर ऐसे चलते हैं 10 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन में उसे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीजन के बेग लेके चलना पड़ेगा, जैसे हम पानी का बेग लेके चलते हैं, बस ऑक्सीजन का बेग लेके चलना पड़ेगा। हमको शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगा, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, जो जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा नहीं जी सकते, आप बिना पानी के कुछ घंटे जी सकते, बिना खाना खाए 30 दिन जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इतनी जरूरत की चीज़ है कि उसके बिना आप कुछ पल ही जी सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम वातावरण को शुद्ध रखें, और आने वाला समय बेहद दुष्कर होगा। हम आने वाली पीढ़ियों को गंदगी परोस के जा रहे हैं, हम पॉल्यूशन से भरा हुआ उनको वातावरण देखे जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को माफ नहीं करेंगे। सो सर लास्ट में हमारी तरफ से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सवाल है, दोनों के लिए है सर ये। सर मान लीजिए आप आज की कंडीशन से बहुत तंग आ चुके हैं, और आप दोनों कहीं हिमालय में तपस्या कर रहे हैं कि हम भगवान हमें कुछ इसका सलूशन बता दे, और भगवान उपस्थित होकर आप दोनों को 3-3 इच्छाएं देते हैं कि मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूं, तुम इन 3 इच्छाओं के सहारे से इस सारी तकलीफों को दूर कर दो, तो वो क्या 3 इच्छाएं होंगी आपकी कि जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स हट सके? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मुझे एक सुंदर प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। दूसरी जो मेरी विश रहेगी वो रहेगी कि ध्वनि प्रदूषण से मुझे मुक्ति मिले, और तीसरा जो है
एक शांत सौम्य और बिना क्राइम रहित जो वातावरण है। पालुसम भी तो हम चाहेंगे ही, उसके अलावा चाहेंगे कि लोगों के बीच भाईचारा व्यवस्था बनी रहे। तीसरा चीज़ ये हो कि हम आपस में प्यार करें और इन्वायरमेंट की रक्षा करें पूरी तरीके से। हर लोगों के मन में यही मांगूंगा मैं भगवान से कि हर व्यक्ति के दिल में ये बात आए कि ये वातावरण हमारा है, इसकी रक्षा करें, ये बात अपने आप आए। और तीसरी बात यह है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे पर्यावरण नुकसान। तीन विश मांगूंगा मैं सर। ये इच्छा की बात है तो मेरे दिमाग में भी एक इच्छा आई, अगर मुझे एक ऐसे विश मिले तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही मौसम हमेशा रहे जो आज है। पानी भी गिरेगा बाद में। पानी जरूरी है सर। तो सर ये आज का हमारा स्टोरी साइकिल का क्या प्रोग्राम था, एपिसोड 2 था उसका, तो आपको कैसा लग रहा है सर? आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज के यूथ को? हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए और प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए हर किसी को जागृत होना पड़ेगा और इसको हमको एक जन चेतना के रूप में जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, जिससे कि लोग स्वतः पूर्व इसके प्रति सजग रहे और सबको आनंद की प्राप्ति हो। सर आप दुनिया के सबसे बड़े राक्षस के बारे में बात करें प्रदूषण, तो हर आदमी की यही इच्छा होगी कि स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और प्रदूषण मुक्त रहे, है ना। साथ में यही बोलूंगा कि इसके बिना, धरती के बिना जीवन संभव है, और धरती इन सबसे विहीन रहे तो हम खुशी से, प्रॉस्पेरस से, हैप्पीनेस से जी सकते हैं। थैंक यू सर आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सो गाइस, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर स्टोरी साइकिल एंड वी आर promising you that we'll get back soon with an amazing new episode. So stay tuned, and if you like that video then press the like button.